मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आपने लोगों को शादी करते हुए तो सुना ही होगा, जो कि नॉर्मल है, और उसके लिए आप अपना लाइफ पार्टनर या तो खुद चुनते हैं या फिर कई बार आपके पेरेंट्स आपके लिए आपका जीवन साथी चुनते हैं। पर राजस्थान के दौसा जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां युवक ने तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र देकर प्रतिकूल घरेलू परिस्थितियां होने का हवाला देते हुए उसे पत्नी की आवश्यकता बताई है। इसके लिए युवक ने एक प्रार्थना पत्र भी लिखा है। उसने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी घर की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वह अकेला है और घर का कार्य करने में सक्षम नहीं है। युवक ने अपने इस पत्र में यह भी लिखा है कि उसे पत्नी में क्या क्या क्वालिटी चाहिए। उसने लिखा है कि पत्नी गोरी होनी चाहिए, 30 से 40 वर्ष की उम्र की होनी चाहिए, साथ ही सभी गृह कार्यों में दक्ष होनी चाहिए। 3 जून को गंगदवाड़ी गाँव में महंगाई राहत कैंप के दौरान आंगनबाड़ी में यह आवेदन पेश किया गया, जिसमें युवक ने अपनी पीड़ा बयान करते हुए पत्नी दिलाने की मांग की, चौंकाने वाली बात कह दी। ये तहसीलदार ने पटवारी को दिए मामले में कार्रवाई के आदेश दिए, जिसे इस पूरे मामले में मजेदार बात यह नहीं है कि युवक ने ऐसी अजीब डिमांड की है। हैरानी की बात तो यह है कि तहसीलदार के पास जब यह आवेदन पहुंचा तो तहसीलदार ने भी एप्लीकेशन को मार्क कर दिया और पटवारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। जब यह प्रार्थना पत्र के फॉरवर्ड होकर पटवारी के पास पहुंचा तो पटवारी ने भी इस मामले में पंचायत स्तर पर एक टीम का गठन करने की सलाह दे डाली कि उन्हें पत्नी की आवश्यकता है। पटवारी ने कहा कि टीम बनाई जाए जिससे समय पर पत्नी मिल सके। ये मामला जितना सुनने में आकर्षक है उतना ही ये पंचायत में मजेदार रहा। जी हां, पटवारी ने इस मामले में तहसीलदार को एप्लीकेशन लिखते हुए रिपोर्ट भी दी कि उक्त प्रकरण से गांव पंचायत स्तर पर टीम का गठन किया जाए। टीम में ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी, सरपंच और गंगडवाड़ी की संयुक्त टीम की गठन किया जाए ताकि समय पर पत्नी उपलब्ध कराई जा सके। दौसा जिले से आए इस अजीबोगरीब मामले से हर कोई दंग है और युवक की मांग को लेकर बिना मुस्कुराए नहीं रह सकता। लेकिन गंभीर बात तो ये है कि युवक की ओर से एप्लीकेशन को तहसीलदार ने आवश्यक कार्रवाई के लिए पटवारी को फॉरवर्ड कर दिया, जो कि गंभीर लापरवाही प्रदर्शन करती है। का नाम है आपको? नाम बताओ आपको। कल्लू मावल। कल्लू कौन को नाम दे? आप भी खाऊं जे कल्लू? आप भी खाऊं जे कल्लू? मत कल्लू मावल। कल्लू मावल तो काल जो एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन एक आई थे वो तो कल्लू लिख रहे थे। कल्लू मावल पिताजी का नाम दे? हरिचंद्र। अच्छा जी, जो है राहत कैंप में गया था जो एप्लीकेशन लिखी थी वो कहाँ कहाँ लिखी थी? उनको दी थी लिखकर? हाँ कौन ने लिखी? वहाँ कोई लिखवाई थी के कोई ने लिखी थी? हमसे लिखवाई थी। तो ब्याह की बात हुई थी पहला कि भाई ब्याह हो गो यहाँ ब्याह को पर ये ब्याह की बात आ रही थी उस टाइम ब्याह पर चल खोई थी ब्याह पर लिखवाई थी। अच्छा जो वह लिख रहा के तो छोटी सी चाइन जो वह भी लिखी थी क्या है? तो कैसी चाइन थी छोरी? है छोरी कैसी चाहिए? कौन को लिखकर दी थी तुमने? लिखकर कौन को दी थी? कौन सा अधिकारी को? अधिकारी को दी थी कोई? कोई अधिकारी को दी थी क्या एप्लीकेशन? मैं तो ये डीलर बैठे इन्हें लिखवा दी। मैं झूठ खा लिया बोलू मैं फिर ने लिखवा दिए। मैं तो जैसे बात हाँ सही है हम पाए तो हम पाए पे तो लेकर काम ब्याह के लिए तो लिखी थी ना अपने बस ये रंबन ही चोर होता था। आप अधिकारी कौन सा होती? हाँ अधिकारी कौन सा पटवारी तो सरपंच भी नहीं तो ये आपने ये स्कूल को बारे में मैं तो बताऊँ तुम करना तो नो कम कर और ये एक ये डीलर है तो ये तो सब पटवारी सरपंच हम जाने जो तो आपने कहा कर और सरपंच सामने कर दूँ सरपंच खाते हो कि सामने को मैंने अरे पटवारी तो कल पटवारी कहते हो कम प्रदून लगे अपनी स्कूल में
अजनाड़ तो सभी आदमी था। मैं तो जैसी बात हूँ अधिकारी को लेकर तब नहीं दी कुन्ने दी हाँ तहसीलदार को कुन्ने दी अधिकारी का हाथ में कुन्ने दी कुन्ने दी जी हम दिए रहा था मादा मत को दे रहा को दे रहा है तो ब्याह की बात चल रही है जा लिखी थी अपने कसम है अगर प्रशासन और छोरी है तो ब्याह करोगा को करो अगर प्रशासन ले आएगा कोई तो घर ले आएगा तो ब्याह कर लेगा हाँ बोलो थोड़ा सा ब्याह करो को करो कर लेगा तो सामने तो ढाको तो यहाँ तो अभी चारों में फैल गया बात कौन कहीं खरीदे कोई खरीदे कहीं गांव में फोन आयो मन पड़न गई फल ये लकड़ी देर पात फैल गया बात नहीं फल कहीं कोची वजन अड़ गई फैल रही था बात है जब मैं तो मुझे ऐसी बात हूँ ज्यादा मत बोलो अच्छा अब प्रसादन थोड़ी है जो है पटवारी अटवारी कोई आयो को ना हाँ पटवारी ने कोई आज नहीं सरपंच है सरपंच वाला लग पटवारी को मैंने रखा हूँ ये आपने इसके लिए बात मत मुझे जब बात हूँ मतलब हम को इसे अपने इसके लिए बात हो ना कम लगे तो मेरे की बात हो हाँ अब कहाँ है चाल रहे थे मन में जब अत्रो सारो बात चेंज किया तरह बड़ा लोग खड़ा थी ना ब्याह करेगा ब्याह कर लेगा तहसीलदार जी ने आपको जो रिपोर्ट किया सर इसमें क्या था 3 तारीख को रामदुआड़ी ग्राम पंचायत के अंदर कैंप था उस कैंप के अंदर एक तहसीलदार जी के पास में आवेदन आया था उसमें लिखा हुआ था कि मेरी शादी करवाई जाए अब वो तहसीलदार जी के पास में आवेदन आने के बाद में उसको हल्का पटवारी के लिए लिखा था वहाँ हल्का पटवारी में स्वयं था उसका बार बार बोला जा रहा था कि भाई इसके ऊपर क्या कार्रवाई की अति आवश्यक लेटर है आज के लिए लिखा आपकी रिपोर्ट तो उसमें मैंने ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी गठित करके और जो कमेटी उसकी 3 दिन के अंदर 5 रिपोर्ट पेश कर दी एक और आदेश वायरल हो रहा है उसके बारे में और सर सब फर्जी है मेरे तो ने साइन है मेरी उसके ऊपर अटैक है वो किसने लिखा क्या लिखा उस बारे में मुझे कोई समझ प्रार्थी है उसका नाम क्या है प्रार्थी का तो जो सर मेरे पास आवेदन आया था उसमें कैल पल्लू कैल माउल नाम से वो स्वयं मेरे पास नहीं आया था मेरे पास तो तहसीलदार जी के यहाँ से आदेश होके आया था एल आर पटवारी ने दिया था कि इस पर आप अपनी जो भी रिपोर्ट है उसको पेश करें हम यहाँ पर भी आए हैं अब यहाँ किस तरीके का आपने मुआयना किया है जाँच की है यहाँ पर तो अभी सर फिलहाल में कोई ऐसा मेरे ध्यान में आया जो जो कमेटी गठित की गई थी उसके द्वारा क्या रिपोर्ट पेश की गई कमेटी अभी उसको सर की है लेकिन अभी उसको ऊपर कार्रवाई क्या करनी है प्रार्थी से आपकी बात हुई है इस संबंध में क्या कहना है उसका हुआ प्रार्थी से अभी मैं कैंप के अंदर तो प्रार्थी मेरे पास आया नहीं अभी मैं उसी इसीलिए आया हूँ जो भी वो बताएगा क्या बात थी क्या नहीं थी क्या बताना है क्या नाम है मेरा नाम पटवारी अलका बाबूलाल गुजर पटवारी अलका काम ऐसी और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए मैं आपके साथ प्रिया बंसल धन्यवाद